नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के अहिल्याश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के 69 सीएम राइज स्कूलों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस दौरान स्कूली शिक्षा मंत्री इंद्र परमार, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, तुलसीराम सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बच्चों को संबोधित करते हुए शिवराज ने पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अव्वल आने का वादा लिया। उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ सीएम राइज स्कूल ला रहे हैं। शिक्षक साथियों से निवेदन है कि इसे नौकरी नहीं साधना समझें, पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ाकर खुद को गुरु साबित करें। बच्चों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आपको हमेशा अच्छे काम करना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है, नशे से दूर रहना है। नशे का कारोबार करने वालों पर तुम्हारा मामा बुलडोजर चलवा देगा। नशे के कारोबारियों के घरों पर बुलडोजर चलता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12वीं में मैरिट आने वाले बच्चों को सरकार की ओर से लैपटॉप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई एक बात को संदर्भ की तरह लेते हुए कहा कि स्वामी जी ने कहा था, मनुष्य केवल हाड़ मांस नहीं ईश्वर का अंश है, वो जो ठान ले वो कर सकता है। हम कुछ बन कर दिखाएंगे, कुछ कर दिखाएंगे। प्रत्येक बच्चे में क्षमता है, केवल लगन की जरूरत है। उठो और आगे बढ़ो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जाता था, लेकिन वहां बिछाने के लिए टाटपट्टी भी नहीं होती थी, जिसके चलते हम घर से खाद का बोरा लेकर जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा को लेकर काम कर रही है। इसी के तहत हमने बच्चों को सीएमएस स्कूल के माध्यम से आधुनिक लेबोरेटरी, पुस्तकालय, खेलकूद के लिए ग्राउंड, आधुनिक भवन, आधुनिक क्लासेस देने के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ गड़बड़ जो करते हैं, नशे वशे के कारोबारी, अवैध कारोबारी हो, उनके घर तो बुलडोजर चलवा दिया जाएगा, उनको बदले नहीं देंगे। लेकिन आप अच्छे उन सीट के आगे बढ़े, ये मेरी आप सबसे अपील है। आप सबको पता है 12वीं में कौन कौन है हाथ उठा 12th में। अब आपको बताए 12वीं में अगर 75% नंबर लाते हैं तो क्या देते हैं मामा? सबको पता है तो लैपटॉप कौन कौन लेंगे हाथ उठाओ। इस साल मेहनत करो और 11वीं वाले भी करो, 10वीं वाले भी करो, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो आगे बढ़ने में हमको मदद मिलेगी। और कोई चीज की चिंता मत करो। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पढ़ाई के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। बस मेहनत करके आपको आगे बढ़ना है। मेरा सभी बच्चों को यही संदेश है कि अपने आप को कमजोर मत मानो और बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का लक्ष्य तय करो। पर वो कोई भी हो सकता है, केवल पद की बात नहीं करो। कोई बिजनेस में जा सकता है, कोई स्टार्टअप में जा सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, कोई अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अच्छा कलाकार बन सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको बनना है। आज मेरा यही संदेश है प्रिय बेटा बेटियों कि सीएम राइज स्कूल आपकी मंजिल आप प्राप्त कर सके। और कोई बच्चा ये ना सोचे कि काश मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाता और मेरे माता पिता भी प्राइवेट स्कूल की फीस दे पाते तो कहां पहुंच जाता। अब चिंता मत करना, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, खूब आगे बढ़ोगे, सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने देंगे। और एक क्रांति और हुई है, भाषाएं सब सीखना चाहिए हमको, सब भाषा सीखना चाहिए, अंग्रेजी भी सीखना चाहिए, लेकिन शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश ने एक फैसला किया है कि मेडिकल कॉलेज की और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।